दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फॉर में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। SSC स्टेनोग्राफर का फॉर्म कैसे फिल करना होगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी किसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने किसी ब्राउजर के गूगल सर्च बार पर आना होगा, और जहाँ पर आकर आपको सर्च कर लेना होगा ऑल जॉब्स फॉर यू। जैसे लिखकर सर्च करेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा alljobsforyou.com, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। मैं इस पेज का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा alljobsforyou.com के ऑफिशियल पेज, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको SSC स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, और ऑनलाइन वाले सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, SSC स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म जो है भाई। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसके अप्लाई वाले पेज पे आ जाएंगे। मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला था, 20 अगस्त 2022 आज ही से फॉर्म स्टार्ट हुआ है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा नीचे। नीचे आने के बाद आपको सिंपली इंपोर्टेंट लिंक एरिया में आना होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्लिक करके यहाँ से रीड कर सकते हैं। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आप सिंपली यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं SSC में, जो पहले से आपने कोई फॉर्म फिल कर चुका है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद पासवर्ड इंटर करके आपको लॉगिन करके पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। चलिए, मैं नए कैंडिडेट हूँ तो यूजर यहाँ पर न्यू यूजर पर क्लिक करके मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, फिर आगे फॉर्म भर के फॉर्म फिल करके आपको स्टेप स्टेप ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको इस फॉर्म को फिल कर लेना होगा। जैसे सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड है या नहीं है आपको फिल करना। आधार कार्ड है तो यस करेंगे। यस करने के बाद आधार कार्ड, तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिर से वेरीफाई आधार कार्ड नंबर आपको फिल करना होगा। नो पर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आईडी पर आपको ये सब कोई भी दूसरा आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, उसका नंबर यहाँ फिल करना होगा, नाम फिल करना होगा, वेरीफाई नाम फिल करना होगा, ये सब आपको फिल कर लेना होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद वेरीफाई नेम, सेम नेम आपको नीचे फिल करना होगा। अगर आपका नेम चेंज है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो रहने देना होगा आपको, सिंपली इसको नो रहने देना होगा। उसके बाद नीचे आपको फादर्स नेम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे फादर्स नेम लिखेंगे। वेरीफाई फादर्स नेम आपको लिखना होगा, सेम फादर्स नेम आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम आपको फिल करना होगा, उसके बाद वेरीफाई मदर्स नेम, उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ पर जैसे क्लिक करेंगे आप फ़ोन से करेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मार्च 2022 पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। उसके बाद 2022 पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे यार आपको आ जाएगा। अगर नहीं इसमें मिल रहा है तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बैग जाएगा। बैग जाने के बाद यहाँ से अपना जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो आप यहाँ से ले पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे कुछ ऐसे, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेम डेट ऑफ बर्थ नीचे आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे 6 नंबर मैट्रिक का डिटेल्स आपको फिल करना होगा। मैट्रिक का डिटेल्स आपको फिल करना होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन बोर्ड के नीचे आगे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कौन से बोर्ड से आपने पढ़ा हुआ है, तो मेरा स्कूल बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, मैं सेलेक्ट करूँगा। मैं फिर से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में सेलेक्ट करूँगा, आपको भी ऐसे ही सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद रोल नंबर आपको फिल करना होगा। ये फ्रेंड्स मैट्रिक का पूछा जा रहा है, 10th का पूछा जा रहा है, 10th का ही आप फिल कीजिएगा। उसके बाद आप अपना रोल नंबर यहाँ फिल करेंगे, वेरीफाई रोल नंबर। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे, पासिंग ईयर आपने कब पास करा था ये आपको फिल करना होगा। मैट्रिक आप जब पास किए वो डेट यहाँ फिल करेंगे, पासिंग ईयर वेरीफाई करेंगे, फिर से आपको पासिंग ईयर यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। उसके नीचे आपको लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर कुछ भी दे सकते हैं IAS क्वालिफिकेशन में। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे अपना मोबाइल नंबर नीचे फिल करेंगे, जो अभी आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर फिल करेंगे, वेरीफाई मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद वेरीफाई ईमेल आईडी। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर लेना होगा। चलिए मैं सारे डेटा फिल करता हूँ, फिर से सेव पर क्लिक करता हूँ।
तो फ्रेंड्स मैंने अपना सारा डाटा सही से फिल कर लिया है और सिंपली सेव पर क्लिक करूँगा। जैसे सेव पर क्लिक करूँगा मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे शो कर लेगा। फ्रेंड्स ये फॉर्म मैं आपको बताने के लिए भर रहा हूँ कि ताकि आपको कैसे फॉर्म फिल करना होगा। ये मोबाइल नंबर गलत है, मेरा ईमेल आईडी सही है, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी सही है। मैं यहाँ से ओटीपी लूँगा फिर आगे फॉर्म फिल करके आपको दिखा दूँगा। तो ये मोबाइल नंबर पर आप कॉल ना कीजिएगा, ये मोबाइल नंबर गलत है। तो सिंपली कंफर्म पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप 14 दिन के अंदर अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं रजिस्ट्रेशन, तो आपका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन डिलीट कर दिया जाएगा। मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद कुछ देर प्रोसेस होगा, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ओपन होकर आ जाएगा। सिंपली आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से कॉपी कर लेना होगा, और मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद ओके पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे आप इसके पेज पर रिडायरेक्ट आपको कर दिया जाएगा, और यहाँ फ्रेंड्स आपको लॉगिन वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख पाएंगे लॉगिन वाले सेक्शन में फिर से आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम जो अभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल करेंगे। मैं आपको जूम कर लिया हूँ। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे पासवर्ड, ये आपके मोबाइल पर और मेल पर दोनों जगह गया होगा। मेरे देखिए मेरे मेल पर आ गया, मैं पासवर्ड यहाँ पर अपना फिल कर लेता हूँ। 88 सॉरी ये नहीं है, और मेरा है 88 सॉरी 88। तो फ्रेंड्स लॉगिन वाले सेक्शन पर मैंने अपना यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लिया। सिंपली लॉगिन पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा मेरा अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन जो ईमेल आईडी वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड जो अभी आपके पास ओल्ड पासवर्ड जो आपके मेल पर गया वो पासवर्ड आप फिल करेंगे। 88 था मेरा और 134 डिजिट का होगा। उसके बाद नीचे आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। खुद से आपको यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। जैसे आप अपना नाम लिख सकते हैं जो भी आपका नाम हो, उसके बाद @123123@ ऐसे करके आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना होगा। चलिए मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ फिर सबमिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अपना जो न्यू पासवर्ड है यहाँ पर फिल कर लिया। सिंपली सबमिट पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करूँगा मेरा पासवर्ड सेव करने के लिए बोला है, फोन में मैं नेवर कर दूंगा। उसके बाद क्लोज का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली क्लोज पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लोज पर क्लिक करेंगे फिर आप इस पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और यहाँ से फिर से आपको लॉगिन करके आगे फॉर्म फिल करना होगा। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, मैं अपना यहाँ पर अपना पासवर्ड अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करता हूँ, पासवर्ड यहाँ पर मैं अपना फिल करता हूँ। उसके बाद ये कैप्चा मैं नीचे फिल कर लेता हूँ, XD2K और बढ़ा R सॉरी। मैंने यहाँ पे अपना कैप्चा फिल कर लिया। सिंपली लॉगिन पर क्लिक करूँगा। जैसे लॉगिन पर क्लिक करूँगा मेरा पेज लॉगिन हो जाएगा, और जो मैंने डिटेल्स यहाँ पे फिल करा है सब देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। इस पेज पे आने के बाद आपको सिंपली अब नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा क्योंकि आपने इस पेज को फिल कर लिया है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपना कैटेगरी फिल करना होगा, जो भी आपका कैटेगरी। मैं ST से अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो मैं ये दोनों में ST सेलेक्ट करूँगा। इसका पेमेंट नहीं लगेगा, अगर आप जनरल OBC EWS से अप्लाई करेंगे तो आपका पेमेंट लगेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना होगा, मैं सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको फिल करना पड़ेगा, 13 नंबर में, यानी कि आपके शरीर पर कट के या तिल का निशान हो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे जहाँ पर भी हो। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे नीचे आएंगे, अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड अगर आप विकलांग हैं तो आपको इसको यस करना होगा। उसके बाद यहाँ पर टिक करके आपको यहाँ पे विकलांग अपना सेलेक्ट करना होगा, जिस जैसे विकलांग हो उसके बाद आगे फॉर्म फिल करना होगा। मैं नहीं हूँ तो नो कर लूँगा, ये सब मुझे फिल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना होगा, जो भी आपका एड्रेस हो। अब उसके बाद एड्रेस फिल करने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, बिहार सिवान में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ये फिल करके अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सिंपली यस पे क्लिक करना होगा, अगर दूसरा है तो दूसरा एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर पाएंगे। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स मैंने अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर लिया, सिंपली सेव पे क्लिक करूँगा। जैसे सेव पे क्लिक करूँगा मेरा ये पेज सेव हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा डिक्लेरेशन का, जिस पे आपको यहाँ पे टिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको अगर प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट भी ले सकते हैं, तो प्रिंट छोड़ दीजिएगा। आप सिंपली फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं आप। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके मेल और मोबाइल दोनों जगह मैसेज आएगा, OTP जाएगा, और उस OTP को आपको फिल करना पड़ेगा। मैं वेट कर लेता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर गलत है तो मेरे मोबाइल नंबर पर OTP नहीं जाएगा, जाएगा तो मुझे नहीं मिलेगा। मेरे पास मेल है, मेल का OTP मैं अभी फिल करके आपको दिखाता हूँ आगे कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अभी OTP नहीं आया, मैं वेट कर लेता हूँ जब तक OTP आ रहा है।
तो जैसे फ्रेंड्स आप ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर लेना होगा। ये सब आपका पासवर्ड आपके मेल पर मोबाइल पर सेंड कर दिया गया, यूजर नेम पासवर्ड ये सब बताया जा रहा है। उसके बाद आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिला लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म हिस्ट्री, उसके बाद मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत हो तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया था, स्टेनोग्राफर ग्रेड CND एग्जामिनेशन 2022 आपको देखने को मिला। और भी यहाँ पे वैकेंसी के बारे में दे रखा है जो अभी चल रहा है, जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। तो आपको अप्लाई करना होगा स्टेनोग्राफर, तो आपको अप्लाई पर क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप इसके अप्लाई वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने जो बेसिक डिटेल्स फिल करा सब ये देखने को मिल जाए। इसी पेज पर नीचे आएंगे तो और भी जानकारी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। नीचे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्या आपके पास नॉलेज है स्टेनोग्राफी का, तो यस या नो कर सकते हैं। नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, सॉरी। तो सिंपली आपको यस करना होगा। उसके बाद आप यहां से अपना सेंटर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका सेंटर है। मैं अपना एग्ज़ाम सेंटर यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं। आपको भी कुछ ऐसे कर लेना होगा। उसके जस्ट नीचे आप अगर ESM है, एक्सर्विस मैन है, तो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। मैं नहीं हूँ तो नो करूँगा, आप यस करेंगे तो और भी जानकारी डिटेल्स आपको नीचे फिल करना होगा। और भी नीचे आने के बाद आपको ये सब छोड़ देना होगा, ये सब आपको कुछ फिल नहीं करना होगा। ये आपका ऑप्शन ओपन भी नहीं दिखेगा, तो आपको आना होगा नीचे आने के बाद ये सब आपको छोड़ देना होगा, ये ओपन नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी ओपन नहीं है। तो 19 आप यहाँ से देख सकते हैं, मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट मतलब आपका टाइपिंग हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा। मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, मैं इंग्लिश यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट अप्लाई, कौन से पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेड सी या ग्रेड डी। जिस पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, या दोनों पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म करना होगा, सेम दोनों में कंफर्म करना होगा। अगर चाहे तो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेड सी या ग्रेड डी। उसके बाद यहाँ पे आप अगर एज में छूट चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना जो भी हो आप सॉरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप SC ST हैं या डिफेंस पर्सनल हैं, गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय हैं, तो जो भी हो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा। उसके बाद आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, क्या आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो। उसके बाद नीचे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना होगा। तो मेरे पास 12th है, 12th के बराबर। दूसरा अगर आपके पास 12th की जगह पर कुछ और है, कोई और डिग्री है, तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो मेरे पास 12th है, तो 12th स्टैंडर्ड मैं यहाँ पे फिल कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं पास हूँ तो पास सेलेक्ट करूँगा। पासिंग ईयर आपको यहाँ से आकर के सिंपली आपको 12th का पासिंग ईयर फिल कर लेना होगा। उसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपका बोर्ड हो। उसके बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर हो, यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। उसके बाद परसेंटेज, आपका कितना परसेंटेज जो भी हो आप यहाँ से सब फिल करेंगे। उसके जस्ट नीचे अगर आप डिटेल शेयर करना चाहते हैं, यस या नो कर सकते हैं। मैं इसको नो ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा, मैं हाइड कर लूँगा अपने सिक्योरिटी के लिए, जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपना फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। देखिए 20 मई 2022 के बाद से आपका फ़ोटो होना चाहिए और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। 20 से 50 KB के बीच में फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए आपका 10 से 20 KB के बीच में। चलिए मैं अपलोड करता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको यस करना पड़ेगा कि आपने फ़ोटो जो सेलेक्ट करा 20 मई के बाद है, तो मैं यस करूँगा। उसके बाद एग्री पर क्लिक करके आपको सिंपली ये जो कैप्चा फिल करके प्रीव्यू करना होगा। चलिए मैं प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर रखा है। फ़ोटो यहाँ पे 17 मई आपको दिख रहा होगा। ये मैं आपको बताने के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ, कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। ये मेरा ओरिजिनल मैं फॉर्म फिल नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने जो मेरे पास फ़ोटो था मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। नीचे आने के बाद आपको ये कैप्चा फिल करना होगा। जैसे आप प्रीव्यू करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको इसको एक बार सही से चेक कर लेना होगा। मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ गया हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डेट को मत देखिएगा। मैं आपको फॉर्म ये कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा ये बताने के लिए मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मॉडिफाई
देखने को मिल रहा होगा। तो आप चाहें तो अगर कोई दिक्कत हो तो मॉडिफाई पर क्लिक कर सकते हैं। अगर सब सही है तो आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं, आपको ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना पेमेंट कर लेना होगा, जो ऑनलाइन पेमेंट होता है आप सभी को पता होगा, आसानी से कर लेंगे। पेमेंट पर क्लिक करके आपको पेमेंट कर लेना होगा। फिलहाल मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा बोल रहा है कि ओके करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से भी प्रिंट कर लूँगा और मैं डायरेक्ट भी प्रिंट करूँगा। अगर आप जनरल OBC हैं तो आप पेमेंट करेंगे यहाँ से। ओके पर क्लिक करके आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पर। देखिए फॉर्म प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप जनरल OBC हैं तो एक बार आप अपना पेमेंट स्टेटस भी चेक कर लेना होगा। फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस आपको चेक करना होगा। यहाँ पर कंप्लीट है, अपलोड है, यह भी कंप्लीट है। यहाँ पे आपको ये कुछ शो कर रहा होगा, कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड जैसे आपको। तो ये जब आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेक होता है तब आपको ये वेरीफाई कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव हो गया जैसे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली अब यहाँ पर क्लोज कर लेना होगा। उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करता हूँ, अपना फॉर्म प्रिंट करता हूँ। तो मेरा जो फॉर्म है ये कुछ ऐसा ओपन होकर आ गया। मैं हाइड कर लूँगा अपने सिक्योरिटी के लिए। ऐसे ही आकर के आप अपना फॉर्म फिल कर लेना होगा। फॉर्म फिल करते वक्त कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं।